हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। एक और श्री गीता जी का पाठ आरंभ होता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभ एवं मंगल कामनाएं। न जाने कितने ही गीता जी के पाठ हम कर चुके हैं, सुन चुके हैं, न जाने कितने ही रामायण जी के पाठ हम कर चुके हैं, सुन चुके हैं, न जाने कितने ही अमृतवाणी के पाठ हम कर चुके हैं, सुन चुके हैं, भक्ति प्रकाश के पाठ भी न जाने कितने कर चुके हैं, कितने सुन चुके हैं। पार्थ ने एक ही बार श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुना है। हम तो बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। क्या जैसा परिवर्तन अर्जुन के जीवन में आया, क्या इतने पाठ करने के बावजूद हमारे जीवनों में भी अंतर आया है कि नहीं? क्या इसे देखना हमारा कर्तव्य नहीं है कि मात्र हमें पढ़ना ही है, हमें पाठ करना ही है? अर्जुन ने किन परिस्थितियों में श्री गीता जी का पाठ सुना है, कितना टेंस है अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ,
आपकी किसी साधारण सी मामूली मैं तुम होती है तो ब्लड प्रेशर कितना हाई हो जाता है। सोचें अर्जुन जिस परिस्थिति में खड़ा है उसकी अपनी निजी स्थिति कैसी होगी। ऐसी स्थिति में उसने भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान श्रवण किया है। स्वामी जी महाराज ने आज श्रीमद् भगवद गीता के महात्म के अंतर्गत अंतिम पंक्तियों में कहा है, गीता जी का महात्म तभी मालूम होगा जब गीता ज्ञान को अपने जीवन में बसाया जाएगा, इन्हें अपने कर्मों में उतारा जाएगा, तो आपको वही लाभ होंगे जो अर्जुन को हुए थे, अन्यथा तो पन्ने पलटने की बात है। अमृतवाणी के लिए भी, भक्ति प्रकाश के लिए भी न जाने कितने सुंदरकांड के पाठ हम कर चुके हैं, लेकिन हमारा पर्पस अपने आप को बदलने का पर्पस नहीं। न अमृतवाणी का पाठ करके, न भक्ति प्रकाश का पाठ करके, न रामायण जी का पाठ करके और न ही गीता जी का पाठ करके, हमारा पर्पस तो बहुत अलग हुआ करता है, जिसका सभी को पता भी नहीं कि क्या पर्पस है, क्यों कर रहे हैं। अर्जुन को क्या हुआ है? अर्जुन मोहजन्य मोह से पैदा हुई करुणा के कारण विषाद में चला गया है। यहीं से पहले अध्याय का आरंभ होता है। पहले अध्याय में आज पूरा हुआ होता तो आपको पता लगा होता कि अर्जुन किस दुर्दशा को प्राप्त हो गया है। सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना गांडीव धनुष बाण इत्यादि छोड़ के, उन्हें फेंक के रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है मुंह लटका के, भगवान के सामने घोषणा कर देता है, मैं एक साधु का जीवन व्यतीत करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने पितामह अपने गुरुजनों को मारूंगा नहीं। उदास हो गया है, सब कुछ छोड़ दिया है उसने। उसका कर्तव्य क्या है इस वक्त उसे सुध नहीं है, इतने गहरे विषाद में वह चला गया है, शोक में चला गया है। भगवान उसकी दुर्दशा को देख के तो उसको शाबाशी तो नहीं देते। दूसरे अध्याय का शुभारंभ ही भगवान की डांट से होता है। भगवान श्री गुरु महाराज की पदवी ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। जब अर्जुन अपने आप को शिष्य स्वीकार करता है, जब अर्जुन अपने आप को विषाद सहित, ऐसा नहीं गुरु महाराज कह रहे कि पहले आप स्वस्थ होके मेरे पास आओ, नहीं, अर्जुन ऐसा करने में सक्षम नहीं है, इतना गहरा उसे धक्का आघात लगा हुआ है, इतना शोकग्रस्त है कि वह इससे पार नहीं पा सकता। अतएव जैसी उसकी स्थिति है उसे छिपा के नहीं, वैसी ही स्थिति में अपने आप को परमात्मा को सौंप देता है। अर्जुन ने जो अच्छी बातें करी हैं वे हम सबके सीखने योग्य, जीवन में उतारने योग्य, तभी हमें अर्जुन जैसा लाभ प्राप्त हो सकेगा।
अर्जुन ने अपने विषाद को परमात्मा के साथ जोड़ दिया है और भगवान ने उसे विषाद योग बना दिया है। नेवर माइंड, आप विषाद भी मेरे साथ जोड़ो तो मैं उसे योग बना दूंगा। जोड़ो, मैं आपको विषाद रहित होके अपने पास आने के लिए नहीं कहता। मैं जानता हूं एक गुरु की भूमिका एक डॉक्टर की भूमिका है, और डॉक्टर के पास कोई तंदुरुस्त नहीं जाता, रोगी जाएगा। जो तंदुरुस्त है वह डॉक्टर के पास क्या करने जाएगा? वह हॉस्पिटल क्यों जाएगा? उसे क्या जरूरत है जाने की? मत ऐसा चाहिएगा, पहले हम अच्छे हो जाएं तो फिर परमात्मा की चरण शरण में जाएंगे। बहुत देर हो जाएगी, समुद्र की लहरें उठनी बंद हो जाएंगी, तब हम स्नान करेंगे, तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर आप कभी स्नान नहीं कर पाओगे। इसलिए समुद्र जैसा है आप वैसे ही उसमें कूदिएगा तो स्नान करके निकलिएगा। अर्जुन ने अपने जीवन रथ की डोरी भगवान को सौंप दी है। जो जो बातें अर्जुन ने करी हैं इस लाभ की प्राप्ति के लिए, मेहरबानी करके उन्हें ध्यान दीजिएगा उन पर। एक तो उसने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु महाराज। मात्र इतना ही नहीं, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में प्रपन्न समर्पित करता हूं। मेरे जीवन की रथ की बागडोर आप संभालिएगा, मेरे सारथी बनिएगा। भगवान बने हैं, नहीं सोचा कि ये कितना छोटा काम मुझे ये दे रहा है करने के लिए। कहां भगवान, कहां मैं और कहां एक सारथी रथ हांकने वाला। लेकिन चूंकि अर्जुन समर्पित हो चुका हुआ है और समर्पित के लिए हर कुछ करना मेरा वर्द, मेरा प्रण है, इसलिए अर्जुन मैं तेरे जीवन रथ की बागडोर संभालने के लिए तैयार हूं। तीर चलेंगे मेरे से होते हुए तेरे पास जाएंगे, मुझे पहले लगेंगे। मैं उनको रास्ता दूंगा तो तीर तुम्हें लगेगा, मैं रास्ता नहीं दूंगा तो तीर तेरे तक पहुंचेगा नहीं। ये गुरु की भूमिका है। आगे बहुत कुछ होता है साधक सुनो, आप पढ़ेंगे अंत में क्या कहता है पार्थ। गीता पाठ से पहले क्या था, गीता श्रवण से पहले क्या था, सुनने के बाद क्या कहता है। हे अविनाशी, तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। एक पाठ, हमने ना जाने कितने पाठ किए हैं, लेकिन मोह नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। क्यों माता, है ना, ये मोह बढ़ता जा रहा है, पुत्र के प्रति, पौत्रों के प्रति, पौत्रियों के प्रति, ये कहीं घटने का नाम ही नहीं ले रहा। अर्जुन हम सबके सामने, सारे संसार के सामने घोषणा करता है, ये कोई छोटी बात नहीं, संसार को काट मारिएगा। वह परमात्मा के सामने घोषणा करता है, जिसके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता, उसके सामने कहता है हे अविनाशिन, तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं शोक ग्रस्त था, इस वक्त शोक रहित हो गया, मेरे संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, अब नो डाउट्स एट ऑल, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा अक्षरशः।
मेरी बुद्धि ठीक हो गई है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अर्जुन ने अपना जीवन सफल कर लिया। अर्जुन को खड़ा हुआ देख के, युद्ध करने को तैयार, सब कुछ छोड़ चुका हुआ, फिर धनुष भान हाथ में ले लिया है और युद्ध करने के लिए तैयार देख के, तो संजय अपना मत प्रकट करता है, राजन धृतराष्ट्र को संजय सारा हाल सुना रहा है। अंतिम श्लोक, हे राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धारी अर्जुन धनुर्हीन नहीं, धनुर्धारी अर्जुन मानो जहां परमेश्वर कृपा है, जहां शास्त्र अनुसार चलने वाला पुरुषार्थी अर्जुन है, वहीं श्री, वहीं विजय, वहीं समृद्धि, वहीं नीति, वहीं सफलता, सब कुछ वहीं, वहीं ऐश्वर्य, वहीं वैभव, वही विकास। अपना मत संजय प्रकट करता है, हम सबको संदेश देता है, सुनो, जहां परमेश्वर की कृपा है, शास्त्र है, ज्ञान, गीता ज्ञान, शास्त्र, और शास्त्र अनुकूल चलने वाला अर्जुन है। तीन बातें, अधिक ना सही, इन तीन बातों को याद रखें हम। जहां परमेश्वर की कृपा है, जहां शास्त्र है, और शास्त्र अनुकूल चलने वाला पुरुषार्थी अर्जुन है, वहीं शांति है, वहीं परमानंद है, वहीं सफलता है, भौतिक भी एवं अलौकिक भी। मुक्ति की प्राप्ति उसे ही होगी, लौकिक लाभ उसे ही होंगे, अन्यथा इसके विपरीत जिंदगी भर टक्करे मारते रहिएगा, सफलता कहीं पास नहीं आएगी। भौतिक सफलता थोड़ी बहुत हो भी सकती है, लेकिन अलौकिक सफलता से बिल्कुल वंचित रह जाओगे। तो समय हो गया है, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। परमात्मा कृपा कर थोड़ा सुने, थोड़ा पढ़ें, अधिक अपने जीवन में उतारें, इसी में कल्याण है। अधिक पढ़ने सुनने में नहीं, थोड़ा बेटा पढ़ो सुनो, और उससे भी अधिक अपने जीवन में अपने कर्मों में उतारो, तो बादशाह बन जाओगे, इस लोक के भी बादशाह और उस लोक के भी बादशाह। एक साधु राम तीर्थ सारे संसार के सामने अमेरिका जैसे देश में जाके घोषणा करता है, एक बादशाह राम आया है। एक साधु भीख मांगने वाला जिसके पास दो कपड़े हैं पहनने को, वह अपने आप को बादशाह राम घोषित कर रहा है, किस बल पर। यही समाप्त करने की इजाजत, धन्यवाद।